हेलो स्टूडेंट्स, रिटायरमेंट का आज हमारा लास्ट टॉपिक होगा और वो हमारा टॉपिक होगा क्या, रिटायरमेंट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। अभी तक आपने जो रिटायरमेंट के क्वेश्चंस दिए उसमें आपने देखा कि जो रिटायरमेंट हो रहा है वो या तो 31 मार्च को हो रहा है या तो 1 अप्रैल को हो रहा है। और अगर 31 मार्च या 1 अप्रैल को होता है ईयर के एंड में या ईयर के बिगिनिंग में कोई पार्टनर रिटायर होता है तो कोई एक्स्ट्रा बर्डन हमारे ऊपर नहीं आता कैलकुलेशन का। लेकिन जब वो रिटायर होता है ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, मतलब ईयर के बीच में, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद रिटायर अगर होता है तो कुछ कैलकुलेशंस बढ़ते हैं। वो क्या होता है कि भाई अगर वो 2-4 महीने बिजनेस में रह गया उसके बाद वो रिटायर हो रहा है तो उसका कुछ प्रॉफिट उतने टाइम पीरियड पे अर्न किया होगा, वो प्रॉफिट है, उतने टाइम पीरियड के लिए उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन भी देना पड़ेगा। तो मेन है प्रॉफिट हमारा, बाकी चीज़ें तो कैलकुलेट हो जाएंगी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया, मान लीजिए आफ्टर 4 मंथ वो रिटायर हो रहा है तो हम जो भी उसका इंटरेस्ट ऑन का कैपिटल का रेट होगा, जैसे 1 लाख रुपीज़ कैपिटल है, 10% इंटरेस्ट मिला है पर एनम, तो 1 लाख × 10/100 × 4/12 करके निकाल लेंगे। सैलरी है 4 मंथ का है तो सैलरी पर मंथ हमको दे रखी है तो 4 से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। लेकिन प्रॉफिट के लिए हमें कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब वो कैलकुलेशन क्या है उसको जानने से पहले ये जान लीजिए कि प्रॉफिट के लिए एंट्री हमें क्या करनी होती है। तो अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट के लिए एंट्री क्या करनी होगी, इफ़ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स डज नॉट चेंज। रिमेनिंग पार्टनर का अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं होता है तो ऐसे कंडीशन में एंट्री हम पास करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और इसमें क्या होगा, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा। फिर इसके बाद मान लीजिए कि अगर रेशियो उन्होंने बदल लिया, तो अगर रेशियो बदला है तो एंट्री क्या हो जाएगी, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी जो रिमेनिंग पार्टनर है उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में, और टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा विद द शेयर ऑफ हिज प्रॉफिट, उसके प्रॉफिट का जो शेयर होगा उससे। अब देखिए हम प्रॉफिट को कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का दो बेसिस होता है, दो मेथड होता है, एक होता है टाइम बेसिस पे और दूसरा होता है सेल या टर्नओवर बेसिस पे। तो दोनों पे देखते हैं कि कैसे प्रॉफिट का कैलकुलेशन हमें करना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो कैलकुलेशन ऑफ रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट में मेथड फर्स्ट जो है उसमें कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बेस्ड ऑन किस पे है, टाइम पे, टाइम पे बेस्ड होगा। तो कैसे निकलेगा, पहला काम हमें क्या करना है, पहला स्टेप क्या होगा, कैलकुलेट प्रॉफिट ऑन विच रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट टू बी कैलकुलेटेड। हमें वो प्रॉफिट निकालना है जिसके बेसिस पे रिटायरिंग पार्टनर के प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है। जैसे मान लीजिए कि इसने कहा कि एवरेज प्रॉफिट जो होगा प्रीवियस 4 ईयर, 3 ईयर या प्रिसीडिंग 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर का जो एवरेज प्रॉफिट होगा उस पे रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। तो वो एवरेज प्रॉफिट हमें फाइंड करना होगा, या बोल दिया एग्रीगेट ऑफ प्रीवियस 3 ईयर प्रॉफिट, तो उसको हमें फाइंड करना होगा। पहले वो प्रॉफिट फाइंड करेंगे, सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, कैलकुलेट प्रॉफिट फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड। दैट पर्टिकुलर पीरियड का मतलब है कि ईयर के बिगिनिंग से लेकर के जिस डेट में पार्टनर रिटायर हो रहा है उतने दिन का प्रॉफिट निकालना है। तो फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, तो ये कैसे निकलेगा, मान लीजिए आफ्टर 4 मंथ वो रिटायर हो रहा है और प्रॉफिट हमने निकाल लिया, तो हमें क्या करना है, जो भी प्रॉफिट हमको मिला, प्रॉफिट है या एवरेज प्रॉफिट है, इंटू 4/12 कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कि कितना हो गया उस पर्टिकुलर पीरियड का प्रॉफिट। और फाइनली हम स्टेप 3 में क्या करेंगे, कैलकुलेट प्रॉफिट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि पुराना पार्ट रिटायर हुआ तो कुछ पुराना रेशियो रहा होगा उसी रेशियो पे निकालेंगे। तो रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
प्रॉफिट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, जो हमने अभी स्टेप टू में कैलकुलेट किया, और इनटू हिज शेयर, मतलब रिटायरिंग पार्टनर शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका शेयर हमें मिलेगा और इसके बाद हमें एंट्री पास कर देनी है। अगर रिमेनिंग पार्टनर ने रेशियो नहीं बदला तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और अगर रेशियो बदल लिया तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल यानी रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जो रिमेनिंग पार्टनर डेबिट होंगे वो किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। अब देखते हैं कि सेकेंड मेथड में क्या होगा। तो सेकेंड मेथड में कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन टर्नओवर और सेल बेसिस, किसके बेसिस पे निकालना है, सेल बेसिस पे निकालना है। तो पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप वन, असर्टेन सेल ऑफ प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर। वैसे तो ये क्वेश्चन में दिया होगा, लेकिन अगर कुछ इन्फॉर्मेशन दिया कि इसके बेसिस पे निकालो कि प्रीवियस ईयर का सेल कितना है, तो वो हमें निकालना है। फिर प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट भी होगा, दिया होगा आपको क्वेश्चन में। फिर उसकी हेल्प से स्टेप टू में क्या करेंगे, असर्टेन प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर, पिछले साल कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ था सेल पे, हमें वो निकालना है। तो प्रॉफिट का परसेंटेज क्या हो जाएगा, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट अपॉन प्रीवियस ईयर सेल इनटू 100। हमें प्रॉफिट का परसेंटेज पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर में जो सेल हुआ था उसका कितना परसेंट हमें प्रॉफिट हुआ, और इसी परसेंटेज के बेसिस पे हम निकालेंगे करंट ईयर का प्रॉफिट। तो स्टेप थ्री में असर्टेन सेल फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, ईयर के बिगिनिंग से लेकर के रिटायरमेंट की डेट तक का सेल कैलकुलेट करेंगे, और इसके बाद प्रॉफिट हमें कैसे निकालना है, स्टेप फोर में असर्टेन प्रॉफिट ऑफ करेंट ईयर अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट कैसे निकलेगा। भाई करेंट ईयर प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या होगा, करेंट ईयर सेल अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, सेल का ही परसेंटेज निकालना है जो कि पिछले साल हमने निकाला कि कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ था। तो अब करेंट ईयर का जो सेल है अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, उसमें जो प्रॉफिट का परसेंटेज फाइंड किया था वो रेट से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड करेंगे, हमें पता चलेगा कि करंट ईयर का प्रॉफिट फ्रॉम द बिगिनिंग टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट कितना प्रॉफिट हुआ। इसके बाद स्टेप 5 में कैलकुलेट करेंगे रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट की डेट तक का उसका प्रॉफिट कितना हुआ। तो जो हमने प्रॉफिट निकाला है वो टोटल जो फर्म का प्रॉफिट निकाला वो तो अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट ही निकाला है। तो करेंट ईयर प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट में रिटायरिंग पार्टनर के शेयर ऑफ प्रॉफिट से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि कितना है उसका प्रॉफिट, यानी जो ये शेयर होगा हिज शेयर, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, उसका प्रॉफिट का शेयर है कि कितना शेयर उसे प्रॉफिट में मिलता है, उसी से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो ये दो मेथड हैं, इन दो मेथड की बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व होगा जिसमें हमें मेन प्रॉफिट का कैलकुलेशन है, और ये आपका रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर के डेथ पोर्शन में भी हेल्प करेगा, डेथ ऑफ अ पार्टनर में। तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, रिटायरमेंट ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर का क्वेश्चन देखिएगा, दिया है ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2, देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 इज गिवन बिलो। लाइबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट्स है, ए 11 लाख रुपीज, बी 11 लाख 40,000 रुपीज, सी 7 लाख 60,000 रुपीज, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 10 लाख रुपीज, क्रेडिटर 2 लाख रुपीज, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 2 लाख रुपीज, एसेट्स में बिल्डिंग है 18 लाख रुपीज, इन्वेस्टमेंट्स है 4 लाख रुपीज, स्टॉक है 6 लाख रुपीज, डेटर है 10 लाख रुपीज और कैश एट बैंक है 6 लाख रुपीज। आगे दिया है सी रिटायर्स ऑन 30 जून 2018 एंड इट वाज म्यूचुअली एग्रीड दैट फर्स्ट बिल्डिंग बी वैल्यूड एट ₹22 लाख, पहले 18 का था अब 22 लाख का हो गया। इन्वेस्टमेंट टू बी वैल्यूड एट ₹3 लाख, पहले 4 का था अब 3 हो गया, 1 लाख रुपीज कम हुआ। स्टॉक भी टेकन एट ₹8 लाख, पहले 6 लाख का था, 8 लाख इंक्रीज हुआ। गुडविल ऑफ द फर्म भी वैल्यूड एट 2 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट फाइव ईयर के एवरेज प्रॉफिट पे हमें कैलकुलेट करना है गुडविल 2 ईयर परचेज पे। और ई पॉइंट दिया है सी शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट भी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 3 ईयर्स,
अब ये जो प्रिसीडिंग 3 ईयर्स होता है, इसका मतलब कि जिस ईयर में अकाउंटिंग ईयर में पार्टनर रिटायर हुआ उसके पहले के 3 साल। तो जैसे ये 30 जून 2018 को रिटायर हो रहा है, तो ईयर कौन सा है? 18-19 है। तो इसके पहले 17-18, 16-17 और 15-16, ये इन 3 सालों का प्रॉफिट लिया जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद द प्रॉफिट्स ऑफ द प्रिसीडिंग 5 ईयर दिया है, 13-14 में 4 लाख, 14-15 में 5 लाख, 15-16 में 6 लाख, 16-17 में 8 लाख और 17-18 में 7 लाख रुपीज़ प्रॉफिट है। अब इसके बाद लास्ट पॉइंट दिया है, अमाउंट पेबल टू सी टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट कैरिंग इंटरेस्ट एट 10% पर एनम। तो जो अमाउंट पेबल होगा सी को, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे और जब भी पेमेंट करेंगे तो 10% पर एनम की रेट से उसे इंटरेस्ट मिलेगा अनपेड अमाउंट पे, जो पैसा अभी तक उसको पे नहीं किया गया होगा इंस्टॉलमेंट में। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड द बैलेंस शीट एज एट 30 जून 2018। तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से स्टार्ट करेंगे। तो रिवैल्यूएशन के लिए देखिए दिया है, बिल्डिंग बी वैल्यूड एट ₹22 लाख, बिल्डिंग था हमारा 18 लाख का और 22 लाख्स हो गया, यानी 4 लाख रुपीज़ बढ़ा है, गेन है। और गेन हमेशा रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में आता है, कितना? 4 लाख रुपीज़। फिर नेक्स्ट दिया है, इन्वेस्टमेंट टू बी वैल्यूड एट ₹3 लाख, 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को कम कर दिया, पहले 4 लाख का था तो लॉस है, और एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी, लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा 1 लाख रुपीज़। और दिया है स्टॉक, स्टॉक बी टेकन एट ₹8 लाख, पहले 6 का था अब 8 का हो गया है, तो 2 लाख रुपीज़ प्रॉफिट हुआ, गेन हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में कितना? 2 लाख रुपीज़। अब टोटल करेंगे इसका तो टोटल आएगा क्रेडिट साइड का ज़्यादा कितना? 6 लाख रुपीज़, और डेबिट साइड में कितना है? सिर्फ 1 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे बैलेंस कितना बचेगा? 5 लाख रुपीज़ का गेन हुआ, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो 2 गेन ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। पार्टनर हैं ए, बी और सी, रेशियो इनका है 5:3:2, जो ओल्ड रेशियो था बिफोर रिटायरमेंट। तो 5:3:2 में जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5 लाख को, तो ए का आएगा 2,50,000, बी का आएगा 1,50,000 और सी का आएगा 1 लाख रुपीज़। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। अब प्रिपेयर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, और इसमें क्या होता है? पार्टनर्स का कैपिटल, तो 11 लाख रुपीज़ ए का कैपिटल है, बी का कैपिटल है 11,40,000 और सी का कैपिटल है 7,60,000। इसके बाद हम क्या करते हैं, देखते हैं कोई एग्जिस्टिंग गुडविल अगर होगा तो उसे राइट ऑफ करेंगे, जो कि बैलेंस शीट के एसेट साइड में होता है, नहीं दिया तो छोड़ देंगे। फिर रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे और उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। तो रिटायरिंग पार्टनर शेयर, यानी रिटायरिंग पार्टनर है सी, और सी के गुडविल को निकालने के लिए उसने क्या कहा? 5 ईयर का एवरेज प्रॉफिट, 2 ईयर के परचेज पर फर्म की गुडविल वैल्यूड होगी। तो सबसे पहले फर्म की गुडविल निकाल लें, तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? 5 ईयर का प्रॉफिट दे रखा है, उसको प्लस करेंगे, 4 लाख रुपीज प्लस 5 लाख रुपीज प्लस 6 लाख रुपीज प्लस 8 लाख रुपीज प्लस 7 लाख रुपीज और अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर कितना है? 5। तो टोटल हो जाएगा 30 लाख रुपीज और अपॉन नंबर ऑफ ईयर कितना है? 5 इज इक्वल टू ₹6 लाख। ये आ गया एवरेज प्रॉफिट। तो फर्म की गुडविल कितनी होगी? फर्म की गुडविल होगी यहाँ पे, एवरेज प्रॉफिट है 6 लाख रुपीज और कितने ईयर के परचेज पर है? 2, तो ये हो जाएगा 12 लाख रुपीज। इसके बाद रिटायरिंग पार्टनर है सी, तो सी शेयर ऑफ गुडविल, सी शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू 12 लैक्स और इसका शेयर है 2/10, तो ये कितना हो जाएगा? 2,40,000 रुपीज़ सी शेयर ऑफ गुडविल। अब देखिए
सी का जो शेयर ऑफ गुडविल आया ये है क्या जो इसे अमाउंट मिलेगा कंपनसेशन का, क्योंकि रिटायर होने के बाद अपना शेयर छोड़ के जा रहा है, तो ये इसे जो अमाउंट रिसीवेबल है कंपनसेशन के लिए वो है। देगा कौन? रिमेनिंग पार्टनर। किस रेशियो में? जिस रेशियो में उन्होंने गेन किया होगा इसके शेयर को, तो वो निकालेंगे गेनिंग रेशियो। तो ए इज टू बी इज टू सी इज इक्वल टू 5:3:2 ऑलरेडी दिया है। सी रिटायर्स तो ए इज टू बी इज इक्वल टू क्या होगा? तो यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया कि सी अगर रिटायर हो रहा तो उसके शेयर को ए बी एक्वायर कर रहे हैं या कुछ और रेशियो डिसाइड कर रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। तो ऐसे कंडीशन में जो रिमेनिंग शेयर होगा वही इनका न्यू शेयर हो जाएगा। तो रिमेनिंग कितना? ए का 5, बी का 3, तो 5:3। और जब ये केस होता है तो गेनिंग रेशियो भी सेम हो जाता है। तो गेनिंग रेशियो ए इज टू बी कितना हो जाएगा? 5:3 हो जाएगा। तो 5:3 में लिखेंगे तो सबसे पहले क्रेडिट साइड में बाई गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बाई एज कैपिटल अकाउंट, बाई बीज कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट किस में होगा? रिटायरिंग पार्टनर में। और किस रेशियो में? 5:3 के रेशियो में। तो 2,40,000 को 5:3 में जब डिवाइड करेंगे तो सम ऑफ रेशियो कितना हुआ? 8। तो 2,40,000 अपॉन 8, 8 3 24, 30,000 इंटू 5, 1,50,000 कितना हो जाएगा? 1,50,000, और 3 3 90,000 ये हो गया। अब इसको डेबिट साइड में भी लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और डेबिट कौन होता है? गेनिंग पार्टनर। तो पैसा किस में? गेनिंग पार्टनर में 1,50,000 और 90,000। अब इसके बाद देखेंगे कोई हमारे पास रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तो नहीं है या एक्यूमुलेटेड लॉस तो कोई नहीं है। अगर रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में सारे पार्टनर में ओल्ड रेशियो बांटेंगे, और अगर एक्यूमुलेटेड लॉस होगा कोई तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में ओल्ड रेशियो में। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, तो भाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट कितना दे रखा है हमको? 10,00,000 रुपीज दे रखा है। तो इसको जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5:3:2 में तो 5 लैक्स 3 लैक्स और 2 लैक्स रुपीज़ आएगा। ये हो गया। कोई और रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस नहीं दे रखा है। तो अब क्या करेंगे? अब रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे, क्योंकि प्रॉफिट के लिए कहा ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कहा ना, सैलरी के लिए कहा ना, कमीशन के लिए, लेकिन प्रॉफिट के लिए बोला है। तो प्रॉफिट के लिए क्या दिया है कि सी शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 3 ईयर। तो प्रीसीडिंग 3 ईयर कौन सा होगा? रिटायर हुआ 18-19 में, तो 17-18, 16-17 और 15-16 इसका प्रीसीडिंग 3 ईयर होगा। तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लें, एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग ऑफ प्रीसीडिंग 3 ईयर्स, तो ये कितना हो जाएगा? 6 लैक्स प्लस 8 लैक्स प्लस 7 लैक्स अपॉन 3, तो 21 लैक्स अपॉन 3 इज इक्वल टू 7 लैक रुपीज। तो सी शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या हो जाएगा? टाइम बेसिस पे है तो सी शेयर ऑफ प्रॉफिट पहला स्टेप क्या होता है? प्रॉफिट ही निकालते हैं, फिर उसके बाद करेंट ईयर का प्रॉफिट निकालेंगे अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। तो उसके लिए क्या करेंगे? कितना है? 7 लाख रुपीज प्रॉफिट है और रिटायर हो रहा है 30 जून, तो अप्रैल मई जून 3 मंथ, तो 3 अपॉन 12, और फिर उसके बाद रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालने के लिए इनटू हिज शेयर, तो सी का शेयर है 2/10, 2/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 कट गया, 2 6 12, 3 2 6 और ये हो जाएगा 35,000 रुपीज। अब एंट्री क्या होगी? क्योंकि रेशियो तो इन्होंने बदला है नहीं, जो रिमेनिंग था वही न्यू शेयर है इनका, तो रेशियो अगर नहीं बदला तो एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यानी रिटायरिंग पार्टनर क्रेडिट हुआ तो बाई, और लिखेंगे क्या? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, किसमें पैसा? रिटायरिंग पार्टनर में। कितना?
35,000। इसके बाद देखिए रिवैल्यूएशन पे गेन हुआ है तो वो भी क्रेडिट में आ जाएगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन पे गेन होगा तो क्रेडिट, लॉस होगा तो डेबिट। तो कितना गेन हुआ, 2,50,000 ए का, 1,50,000 बी का और 1,00,000 रुपीज़ सी का। आप टोटल कर लीजिए दोनों साइड का और बैलेंस निकालिए, लेकिन सबसे पहले रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस निकालिए और उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए कहा था, ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 7,60,000, 2,40,000, 2,00,000 और 1,35,000। तो 5, 6, 4, 10, 3, 13, 7, 2, 9, 9, 2, 11, 1, 12, 1, 13, 13,35,000 रुपीज़। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र कितना हो जाएगा, 13,35,000 रुपीज़, 13,35,000 रुपीज़। अब ए और बी का कर लीजिए टोटल, तो 11,516 to 18,50,000 और इसका कितना हो जाएगा, 11,40 + 3, 13, 1,440, 1,490, 15,90,000 रुपीज़। तो यहाँ पे 18,50,000 ए का टोटल और इसका 15,90,000 रुपीज़। अब यहाँ पे बैलेंस निकाल लीजिए ए और बी का, तो बैलेंस कैरी डाउन 1,50,000 माइनस होगा, बचेगा यहाँ पे कितना, 17,00,000 रुपीज़, और इसका 90,000 माइनस होगा, बचेगा 15,00,000 रुपीज़। ये आपका कैपिटल अकाउंट बनके हुआ कंप्लीट। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले लाइबिलिटी साइड में देखिए कैपिटल अकाउंट दिया है, तो कैपिटल लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट्स ए, ए का कितना आया है, 17,00,000 रुपीज़, और बी का कितना आया है, 15,00,000 रुपीज़। तो ये कितना हो जाएगा, 32,00,000 रुपीज़। इसके बाद रिटायरिंग पार्टनर लोन है, तो सीज लोन अकाउंट लिखेंगे, 13,35,000 रुपीज़। इसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया, क्रेडिटर है, क्रेडिटर्स है 2,00,000 रुपीज़, और एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड है 2,00,000 रुपीज़। ये कंप्लीट हो गया। एसेट साइड में देखिए बिल्डिंग, बिल्डिंग की वैल्यू अब हो गई है 22,00,000 रुपीज़, रिवैल्यूएशन के लिए दिया था तो ये हो गया 22,00,000 रुपीज़। फिर इसके बाद दे रखा है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अब नई कितनी है, 3,00,000 रुपीज़ दिया है क्वेश्चन में। फिर स्टॉक है, स्टॉक को 8,00,000 रुपीज़ कर दिया गया है, स्टॉक है 8,00,000 रुपीज़। इसके बाद है डेटर्स 10,00,000 रुपीज़, डेटर्स 10,00,000 रुपीज़। और इसके बाद है कैश एट बैंक, कोई चेंज नहीं है, कैश एट बैंक कितना दे रखा है, 6,00,000 रुपीज़। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट का अभी तो पेमेंट किया नहीं है रिटायरिंग पार्टनर को, 35,000 रुपीज़। तो अब टोटल करेंगे दोनों साइड का, तो टोटल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इधर ये हो जाएगा 5,000, इधर 3, फिर इसके बाद 2, 3, 5, 2, 7, 2, 9, 3, 1, 4, 49,35,000, इधर भी टोटल करिए तो ये हो गया 35,000, और फिर इसके बाद 2, 3, 5, 5, 10, 3, 13, 6, 19, 1, 2, 1, 3, 3 और 1, 4, 49,35,000 रुपीज़ ये बैलेंस शीट का टोटल आया। तो इस तरीके से हमें रिटायरमेंट ड्यूरिंग द ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसी के साथ रिटायरमेंट ख़त्म, अगली क्लास से हम डेथ पढ़ेंगे।